विटामिन्स, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए या रेटिनोल, इसकी कमी से होने वाले रोग है रतौंधी, जिरोप्थोल्मिया, संक्रमणों का खतरा। और इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, हरी साग सब्जियां, पनीर और यकृत का तेल। विटामिन B1, इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। इसके स्रोत हैं तिल, मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, यकृत, सब्जियां, बिना धुली दालें। विटामिन B2 को राइबलोविन भी कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आंखों का लाल होना। इसके स्रोत हैं दूध, हरी सब्जियां, मांस, खमीर और कलेजी। विटामिन B3 या निकोटिनेमाइड या नियासिन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, इसके अंदर ये प्रोटीन मिलता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं प्लेगरा या त्वचादान या बीडी सिंड्रोम। इसके स्रोत हैं आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली। विटामिन B5 या पेंटोथिलिक, कमी से होने वाले रोग हैं मंदबुद्धि होना, बाल सफेद होना। इसके स्रोत हैं दूध, मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B6 या पाइरिडॉक्सिन, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग। और इसके स्रोत हैं मांस, यकृत और अनाज। विटामिन B7 या बायोटिन, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बालों का गिरना, शरीर में दर्द, लकवा। स्रोत हैं मांस, अंडा, यकृत और दूध। विटामिन B9 या फोलिक एसिड, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, पेचिस रोग। और इसके स्रोत हैं सेम, अंडा, दाल, सब्जियां और यकृत, यकृत या लीवर। विटामिन B12 या साइनोकैबलोबिन, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, पांडु रोग। और इसके स्रोत हैं वो है मांस, मांस, कलेजी और दूध। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। स्रोत हैं नींबू, नारंगी, संतरा, खट्टे पदार्थ, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी या कैल्सिफेरोल, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ओस्टिया मैलेशिया या हड्डी कमजोर हो जाना। इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन के या फ्लोक्विनोस, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रक्त का थक्का न बनना या रक्त जमता नहीं है। अगर कोई चोट लग जाती है, कट जाता है, तो खून चलना बंद नहीं होता है। इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है ये ऑटोमेटिक।